गाइस कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस आज की वीडियो में मैं एक अब से एक नई सर्वाइवल सीरीज चालू करने वाला हूँ गाइस। उसमें गाइस हम क्रिएटिव मोड में एक भी बार नहीं जाएंगे। जैसा आपको पता होगा कि अभी हमारी दूसरी सीरीज भी चल रही है जिसका नाम है स्काई ब्लॉक। उसमें मैं बहुत बार क्रिएटिव मोड में गया हूँ, पर इस बार हम जाने ही नहीं वाला, क्योंकि गाइस आप देख सकते हैं मेरे पास कोई चीट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो गाइस मैं अभी इधर से है ना, पहले एक विलेज ढूंढ लेते हैं हम। और गाइस मैं अभी ज़्यादा स्विमिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि है ना आपको पता है कि पानी के नीचे वो ड्राउन होते हैं, इसलिए। तो गाइस अब सबसे पहले इसके प्लैंक्स बना लेते हैं। और अब इसका एक क्राफ्टिंग टेबल बना के हम रख देते हैं। फिर इसमें से थोड़ी सी स्टिक्स करके एक शॉवल, एक स्वॉर्ड, एक पिकैक्स और एक एक्स बना देते हैं गाइस। तो अभी गाइस मैं एक बोट बना लेता हूँ। और अभी के लिए तो कुछ नहीं चाहिए गाइस, पर जैसे हमें गाइस ज़रूर पड़ेगी हम ले लेंगे। गाइस मैंने बोट इसलिए बनाई क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत छोटा सा आइलैंड है, इसलिए हमें बोट से कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा, वरना इस जगह पे तो हमें एक विलेज भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये पूरा सा एक जंगल जैसा ही है गाइस। तो गाइस मैं अभी और वुड करता हूँ कलेक्ट। और गाइस ये हम बहुत इधर लीव्स बहुत होते हैं इस ट्री में। तो गाइस अब हम चलते हैं जल्दी से। और गाइस एक बार तो भी मैं है ना देख लेता हूँ कि इधर कोई विलेज है। गाइस हम मशरूम तो इधर ही मिल गया, पर हम इधर से नहीं लेंगे क्योंकि ये बहुत डीप के हुए हैं। और अभी मेरे पास टॉर्चेस भी नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए गाइस सबसे पहले हम इधर हमारी बोट रख देते हैं। और गाइस हम चलते हैं। गाइस हम कोई और अच्छी जगह चलेंगे। और गाइस इधर है ना ये लिली पेड़ बहुत सारे, इसलिए इसमें है ना गाइस इसे मैं सामने नहीं, इस बार है ना इधर ऐसा रख रहा हूँ। और गाइस हम है ना स्प्रूस, ये जो क्या नाम है इसका, स्प्रूस। गाइस हम स्प्रूस वाले एरिया में तो नहीं रहेंगे क्योंकि इधर बहुत सारे ऐसे जंगल हैं। तो गाइस इस तरफ है ना मुझे एक अच्छी जगह दिख रही है, तो हम इस तरफ चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे कोई विलेज है तो हम हमारा घर वहीं पे बनाएंगे। फिर गाइस हम है ना इसमें एंडर ड्रैगन को भी मारना होगा हमें। और फिर है ना गाइस हमें विदर को भी मारना होगा। और फिर हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे इसमें। तो गाइस मैं पहले अपनी बोट इधर ले चलता हूँ क्योंकि है ना गाइस इधर एक अच्छे है। और गाइस मैं अभी जल्दी से काट तोड़ता हूँ बोट। और गाइस ये पहले देख लेते हैं कि ये कौन सा है। गाइस ये एक अच्छी जगह है। सबसे पहले हमें हमारा बेड भी बनाना होगा। पर गाइस इधर भी एक जंगल टाइप ही है। पर गाइस मुझे लग रहा है कि इस डायरेक्शन में कोई ना कोई विलेज तो होगा ही। पर गाइस हमें इस पर स्टोन मिल चुका है और अब ये तो अच्छी जगह है। और गाइस अब हम थोड़ा सा और स्टोन ले लेते हैं, फिर एक स्टोन की पिकैक्स और वो सब बना लेंगे।
गाइस इतना स्टोन मुझे लग रहा है कि काफी होगा। तो अब गाइस हम इसके उससे जल्दी से बाहर निकलते हैं। पर गाइस इधर से हम आए थे, तो गाइस इधर तो कोई विलेज तो नहीं है। तो गाइस एक बार हम तो भी देखते हैं, शायद हमें कोई सैंडविच डेजर्ट में विलेज मिल जाए, या फिर गाइस इधर इतने सारे टर्टल है। और गाइस एक बार फिर से हम हमारी बोट रखते हैं और चलते हैं। गाइस अभी एक दो दिन के लिए है ना स्काईप्लॉग की वीडियोस नहीं आएगी, क्योंकि अभी हम ये सर्वाइवल सीरीज हमारी जो चालू कर रहे हैं ना, इसलिए। गाइस गाइस इधर मुझे विलेज जैसा तो दिख रहा है दूर से, पर पास जाने के बाद पता चलेगा हमें। पर गाइस कोई बात नहीं, इधर इतने सारे आइलैंड है, किसी ना किसी पे तो एक विलेज होगा। हम गाइस हमारा घर है ना विलेज के पास ही बनाएंगे। और गाइस अभी मुझे सीप भी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि रात कभी भी हो सकती है। यहाँ तो गाइस मुझे सीप ढूंढनी पड़ेगी या फिर कोई विलेज। तो इधर एक हम एक और जगह आ चुके हैं, तो इसे हम जल्दी से हम बोट तोड़ देते हैं। और अब गाइस मैं इस बार मेरी स्वॉर्ड हाथ में रखने वाला हूँ, क्योंकि अब गाइस इधर बहुत सारी फ्लावर्स है, तो हमें डाई तो मिल सकती है। गाइस इधर भी एक टर्टल है, और इधर बहुत सारे रैबिट, बहुत सारे नहीं सिर्फ दो ही है गाइस। तो कोई बात नहीं, हम ढूंढेंगे अभी और हमें ना गाइस मिल जाएगा कोई विलेज जल्दी से। गाइस आपको पता है कि मैं विलेज के पास में मेरा घर क्यों बनाने वाला हूँ, क्योंकि गाइस विलेज के पास हमें कभी भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम विलेज के पास से ले सकते हैं। और गाइस इधर सामने विलेज जैसा कुछ दिख रहा है, पर आगे चल के पता चलेगा। गाइस ये तो सिर्फ ये बड़ा सा मशरूम था इसलिए, पर कोई बात नहीं गाइस हम चलते हैं अभी और आगे और ढूंढते हैं विलेज। गाइस ये तो अभी अच्छा है कि हमारा हंगर भी लो नहीं हो रहा है। पर गाइस हमें जल्दी से ना कोई सीप भी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि रात कभी भी हो सकती है। पर आपको तो पता ही है गाइस रात में क्या होता है, ज़ॉम्बी आते हैं, स्केलेटन आते हैं, क्रीपर आते हैं, फिर बहुत सारे और भी अलग अलग मॉब्स होते हैं, वो भी आते हैं। तो गाइस अभी तो है ना मुझे इधर से एक विलेज दिख रहा है, तो हम वहाँ पे ही चलते हैं गाइस। और फिर उस विलेज के थोड़ा सा ही दूर हम एक रात में गाइस उधर ही बिताने वाला हूँ विलेज में, और फिर हम दूसरे दिन से हमारा घर बनाना चालू करेंगे गाइस। और गाइस इधर मुझे ध्यान रखना होगा कि एक केव थी और वो बहुत बड़ी थी, इसलिए गाइस गाइस इधर मेरे पास ये स्टिक है, इसे लीव्स तोड़ने के लिए हम यूज़ करेंगे। गाइस अभी रात हो सकती है, तो हम पहुंच चुके हैं विलेज में। और गाइस हमारा हंगर भी थोड़ा सा ही लो हुआ है, पर कोई बात नहीं, इधर से थोड़े से हे बेल्स ले लेंगे। इस घर में सिर्फ बेड है गाइस, इधर एक हॉर्स तो है, पर पता नहीं हम अभी इस उससे राइड नहीं करने वाले गाइस। हम इस घर में चलते हैं, इधर एक ना एक हॉर्स तो गई देख लेते, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वो जो हॉर्स है उसे बड़ा होने देंगे फिर। और गाइस ये घर में मुझे पता है एक चेस्ट होता ही है, तो हम जल्दी से चलते हैं। कोई आर्मर भी हमें मिल सकता है इसमें से। हाँ गाइस चार एमराल्ड और लेदर पैंट्स, लेदर ट्यूनिक और दो ब्रेड, तो गाइस इतना तो बहुत है हमारे लिए। और भी है ना गाइस हम सबसे पहले लगा देते हैं आर्मर, और फिर एमराल्ड से विलेजर्स के साथ ट्रेडिंग करेंगे।
तो गाइस ये विलेज तो हमें मिल गया, पर कोई बात नहीं, अभी हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। पर पहले तो कोई भी घर खाली मिले उसमें सो जाते हैं गाइस हम, इसलिए हमारा रिस्पॉन पॉइंट भी सेट हो जाएगा। हाँ गाइस, मैंने कहा था ना आपको कि रिस्पॉन पॉइंट सेट हो जाएगा। तो गाइस अब हम है ना इसमें चलते हैं, इसके अंदर भी एक चेस्ट नहीं है, पर गाइस इधर एक डोंकी भी है, और गाइस ये रहा एक हॉर्स जो कि हमें पता था। पर गाइस अभी मुझे एक पहले सैडल ढूंढनी पड़ेगी गाइस, इसके अंदर शायद एक चेस्ट होगा, नहीं है गाइस। और गाइस अब हमें एक सीट भी मिल चुकी है, और गाइस अब हम जल्दी से है ना कोई एक अच्छे घर में चलते हैं, और फिर वहाँ से देखते हैं कि हमें कोई अच्छी चीज़ मिलती है वहाँ से कि नहीं मिलती है। तो हाँ गाइस इसमें ही चेस्ट है, तो गाइस इधर और ब्रेड, पोटैटो, एप्पल और ओक सैपलिंग है गाइस। तो गाइस ये घर में ये कैटोग्राफर है, इसके चेस्ट में देखते हैं गाइस, इधर और भी सैपलिंग ब्रेड है, और गाइस इधर बहुत सारे मैप है, ये हम ले लेते हैं, कोई ना कोई तो हमें काम आने वाला है। और गाइस ये हम मैं एक और मैप दे रहा है, और हमने ले भी लिया क्या गाइस? हाँ, पर कोई बात नहीं गाइस, इसके पेपर तो बहुत कम है, तो ये एक और ये दो ये तीन मैप्स हम गाइस इसके चेस्ट में रख देते हैं, इसलिए इसे भी अच्छा लगेगा गाइस। पर गाइस मुझे अभी तक एक सैडल नहीं मिला, क्या कहते हैं जाना है क्रिएटिव मोड में सैडल लेना? नहीं चलते, तो कोई बात नहीं गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस वीडियो शुरू होने से पहले मैंने आपको कहा नहीं था, पर अभी आप वीडियो ख़त्म हो चुकी है, पर आप सब्सक्राइब तो आप अभी भी कर सकते हो तो कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर गाइस मैं आपको ऐसे ही वीडियो के साथ मिलूँगा। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय। पर गाइस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब कुछ कीजिए। हाँ तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय गाइस।